अज असी इत्थे गोल बाग दे एरिया विच मदन लाल टिकरा जी की प्रतिमा जी अनवील किया। इत्थे मेरे नाल साडे सेंट्रल दे एमएलए साहब ने, डॉक्टर गुप्ता साहब ने, भैन जी ने, साडे डीसी साहब ने, कमिश्नर ने, होर अफसर साहबान ने, इलाके दे लोक आए ने, स्कूल दे बच्चे आए ने। सो ये साडे वास्ते बड़ा एक बड़ा माण दा मौका है कि साडे शहर दे एक बच्चा सीगा जिहड़ा शहर दे बड़े मशहूर डॉक्टर साहब सीगे, उन्हां दे बच्चे सी, उन्हां चों 6 महीने बाद दा लड़का सीगा, और उसने ये दिल ठान ली कि ये जो अंग्रेज़ ने ये तो साढ़े देश को जाने चाहिए आ। और मैं कहाँगा उदों तो क्रांतिकारी जरा युग सीगा उदा रिवाज नहीं सीगा, मतलब उदों हाले शुरू ही होया सी, जरा इन्होंने एक किस्म का शुरू किया। और 1883 च ये जन्मे और बहुत छोटी जी उम्र च 19009 च इन्हों की इन्होंने फांसी दे दी गई। और जोड़ा इन्होंने कार्य किया और जिहड़ा इन्होंने अपने डिफेंड किया कोर्ट च खड़ो के, इन्हें कहा तुहाडे च इंग्लैंड च जे जर्मनी जर्मन वाले आ जाण ते तुसीं उन्हां नूं गोली नहीं मारोगे, ते कहिंदे इस तरह तुहाडा कोई हक नहीं हैगा हिंदुस्तान च, तुसीं हर साल साडे को 100 करोड़ जिहड़ा रुपया, उन्हां दा 100 करोड़ मतलब मतलब है 100 करोड़ का कोई, तुसीं हर साल 100 करोड़ साडे को लुट के लै जांदे हो। और जे कोई मुलाजम है जिहदी 100 डॉलर तनखाह आ, इहदा मतलब कि 1000 बंदे का ढिड कट रहा है, क्योंकि वह 100 डॉलर ना हिंदुस्तान के 1000 बंदे का ढिड भरया जा सकता है। और तीजी गल जी उन्होंने दिल सी कि कोई भी यहोजा काम नहीं करा असी जिदे थोड़े से समान वरतीए। इन्हें जो कॉलेज पढ़ते थे लाहौर उदों भी एक समस्या खड़ी हो गई, जिहड़ा प्रिंसीपल सीगा उन्हें कहा कि तुसी ब्लेजर जिहड़े ने जिहड़े कोट्स होने आ स्कूल कॉलेज के, ये तुसी साडे विदेशी जिहड़ा विदेशी जिहड़ा कपड़ा बाहरों आया उहदे सवाओ। इन्होंने स्टैंड ले लिया, कहिंदे मैं ते नहीं सवावांगा। सो उस करके इन्हां नूं कॉलेज एक्सपेल भी किया गया। और इन्हों के फादर ने बड़ा जोर लाया कि तू ये काम ना कर, वह कहते नहीं मैं तो मेरे दिल ठान ली है। उस बाद निके मोटे काम करते रहे, कालका गए, बॉम्बे गए, और जिते भी गए उतने ऑर्गनाइज़ करने की कोशिश की यूनियनस नूं कि असी अपने मुल्क वास्ते लड़ाई लड़नी है। उस बाद जो फादर ने फैमिली ने जो सोचा कि बच्चा साड़ा भटक रहा, उन्होंने हिसाब से भटक रहा है ना, वो दिल से पता से उन्होंने की करना है। और वो जो गए या फिर इंग्लैंड उन्होंने भेजा गया पढ़ाई वास्ते, उत्थे फिर उन्होंने वो हत्या की, जिदे करके उन्होंने सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई। और सानू अपने शहीदों को याद करते रहना चाहिए, सानू अपने इतिहास को याद करना चाहिए, क्योंकि जेड़े अपने इतिहास चो गलतियां नहीं याद करते वह मुड़ के कंडेम्ड कहते होंगे रिपीट कर गलतियां। सो सानू जिहड़ा भाईचारा है जो साडे शहीदों ने सानू सिखाया, जिवें हिंदुस्तान च पंजाब च अज असीं हिंदू सिख भाईचारे की गल करते हैं, और असीं कहिंदे साडा 9 मास का रिश्ता है, ये सानू सच्ची मुची निभाउणा चाहिए। और दोनों नू याद रखना चाहिए कि एक दूजे के बिना वो कुछ भी नहीं गए। सो ये जिहड़ा संदेश है, जिहड़ा स्नेह है उन्हां दा, मैं उन्होंने सलाम करदा और मैं शहीदों को सलाम करदा। और जिहड़ी मेहनत करके भैन जी कितने ने, भैन जी स्टेज चले गए ने, और बड़ा उन्होंने उद्यम किया, बड़ा युद्ध लड़िया उन्होंने, और बड़ी मुश्किल ने उन्होंने जिहड़ा स्मारक है ये इत्थे बनाया, और ये शहीदों नू याद करांगे असीं हमेशा, और इन्हूं होर सोहणा बनाउण दी कोशिश करांगे। अज सिर्फ गर्मा दी असीं अनवीलिंग कीती है, और उहदे बाद जिहड़े आर्टिफैक्ट्स ने वह बाद च आ के रखणगे, क्योंकि साढ़े को असं चाहते कि बच्चे आवन, बच्चे देखन, बच्चे प्रेरित होने। तो सो मैं बहुत सब बहुत बहुत शहरवासियों को बधाई देना। देखो ये मदन लाल ढींगरा हिंदुस्तान का बेटा तो है, अमृतसर में पैदा हुआ और लंदन इंजीनियर बनने के लिए गया था, वहां जाकर ये वीर सावरकर जी के संपर्क में आ गया और देश प्रेम की, देश की आजादी की ऐसी लगन इसे लग गई कि इसने वहां ये देखा कि कॉलेजों में स्कूलों में अंग्रेज हिंदुस्तानियों का अपमान करते हैं। करजन वाइली अंग्रेजों की तरफ से लगाया हुआ था हिंदुस्तानियों को इंसल्ट करने के लिए, तो इसने देखा कि हिंदुस्तानियत का और भारतीयता का जो अपमान नहीं सहना, और फिर इसने एक दिन फंक्शन में करजन वाइली को ठंडा कर दिया, एक दिन का नाटक करके अदालत में इसको फांसी की सजा दे दी। मैं उस पैटर्न मिले जेल में प्रणाम कर रही हूँ जहाँ पहले ढींगरा को फिर उधम सिंह जी को फांसी दी गई, पैटर्न मिले जेल में दोनों को प्रणाम उस जेल में करके आई हूँ, ठीक है। और पर हिंदुस्तान आजादी के 75 साल बीत गए, किसी को याद नहीं आया ढींगरा का स्मारक बनाना है। हमें 30 साल लड़ाई लड़नी पड़ी, मैंने अपने मंत्री काल में एक काम बादल साहब से करवा लिया कि इसका जो बलिदान दिन है उसको राज्य स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा दिवस बनवा लिया, और स्टैचू भी हमने लड़ लड़ कर लगवाया जो टाउन हॉल के पास लगा है, ठीक है। अब हाई कोर्ट में इन्होंने लिख के दे दिया कि इससे ज्यादा हमने और ढींगरा के लिए कुछ नहीं करना, तो ये तो अच्छा हुआ अमरिंदर सिंह जी ने जाते जाते एक नेक काम किया, इजाजत दे दी बनाने की कैप्टन अमरिंदर जी ने, और जो एक जग्गी मलविंदर जग्गी हमारे कमिश्नर आए
ये उनकी सूझबूझ थी कि उनका मकान तो मिलता नहीं, 5 करोड़ मांग के जिन्होंने कब्जा किया है तो हम यहाँ जगह दे देते हैं। फिर मिस्टर मेयर जो हमारे रिंटू जी थे, संदीप ऋषि और जग्गी, उनके प्रयास से ये जगह मिल गई। ट्रस्ट ने पैसा दिया है, कॉरपोरेशन ने बनाया है, और अभी जो संग्रहालय बनना है जहाँ इनसे जुड़ी चीजें इंग्लैंड से लाके लगाई जाएंगी वे अभी आएंगी, लेकिन आज स्मारक बन तैयार है, बाग बगीचे फुहारे खूब बन गए हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बन गए, और यहाँ लोग आएंगे बैठेंगे, बच्चों को ढींगरा के लिए बताया जाएगा। हमारे भारत के बेटे के प्रति, शहीद के प्रति एक छोटी सी ड्यूटी आज पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, सारे हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत बधाई।